हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। तो आपके साथ एक वीडियो शेयर कर रही हूँ। मैं बनाने जा रही हूँ आम की सब्जी, कच्चे आम की सब्जी। तो इसको हम इस तरीके से छील लेंगे। पहले ये आम मैंने छील लिए हैं और ये आपको छील के दिखा रही हूँ। इस तरीके से मैंने छील लिया इसको। आप इसको छिलर से भी कर सकते हो। तो ये मैंने काट लिया आम को। इसकी हम बनाएंगे खट्टी मीठी सब्जी। तो इसको हम इस तरीके से सारा छील लेंगे। पहले वाले मैंने छील लिए हैं, ये देखिए, ये इस तरीके से हमने इसको छील लिया है और इसको हम साइड पर रख लेंगे। और ये आम है, अब इनको हम काट ले आओ। आमों को जो है हम काट करके इसकी कतरियां अलग कर लेंगे। तो काटेंगे इस तरीके से हम इसको। इसकी गुठली का भी हमने, गुठली को भी हमने काम में लाना है। उसको भी हम पकाएंगे साथ में। उसको चूसने में बड़ा मजा आता है गुठली को। और इस तरीके से गुठली को भी ऐसे रख लेंगे हम साइड में। तो इसका जो ये गूदा, इसको हम इस तरीके से निकाल लेंगे और थोड़ा थोड़ा जो है वो गुठली में छोड़ देंगे, क्योंकि गुठली को भी हम साथ में पकाएंगे। तो हमने सारे आम काट लिए हैं, इसका जो गूदा है ये हमने निकाल लिया है और ये गुठली को भी हम साथ में पकाएंगे। तो ये गुठली भी मैंने रख ली है। गुठली को चूसने में बहुत अच्छा लगता है। तो ये हमने काट लिया। अब हम शुरू करते हैं आम की, कच्चे आम की सब्जी बनाना। तो सबसे पहले हम कढ़ाई को रखेंगे गैस के ऊपर और कर लेंगे, हम गैस को ऑन करेंगे। ये हमने गैस को ऑन कर लिया, कढ़ाई को गर्म होने देते हैं। सबसे पहले डालेंगे हम इसमें सरसों का तेल। ये हमने सरसों का तेल डाल दिया इसमें, 2-3 चम्मच हमने सरसों का तेल डाले इसके अंदर। अब इसे गरम होने देते हैं। तो ये तेल गरम हो गया है, तो सबसे पहले हम इसमें जीरा डाल देंगे। जीरा चटकने लग गया है, अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा मेथी दाना डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, और थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें धनिया साबुत। अब ये चटकने लग गया है, अब इसमें डाल देंगे हम सबसे पहले क्या डालेंगे, आम डालेंगे इसमें। तो इसके अंदर हम आम डाल लेंगे। ये हमारे खट्टे मीठे आम की सब्जी बन रही है और सारे आम हमने इसमें डाल दिए हैं। और इसको हम इस तरीके से चला लेंगे। जो हमने इसमें जीरा, मेथी दाना और साबुत धनिया डाला है वो आम पर लग जाए, इस तरीके से हम इसको चला लेंगे। तो थोड़ी देर इसको हम इस तरीके से भून लेंगे 2 मिनट के लिए। आप चाहो तो आम को उबाल के भी बना सकते हो, मैं बिना उबाले बना रही हूँ। तो इसको इस तरीके से हम कर लेंगे। और मेरे पास ये आम का अचार डाला था मैंने, तो मेरे पास मसाला पड़ा हुआ है, ये आम के मिक्स करा हुआ है सारा मसाला। तो इसको हम इसके ऊपर से डाल देंगे। ये हमने इसके ऊपर से डाल दिया है और इसको भी हम चला लेंगे साथ में। तो ये तेल के साथ फ्राई हो जाएगा, भून जाएगा अच्छे से, इस तरीके से इसको हम चलाते रहेंगे। गैस की लो को कम रखेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक मिर्च। तो ये डाल लेंगे हम देगी मिर्च डाल लेंगे, और ये 1 चम्मच डालेंगे हम तीखी मिर्चें, और थोड़ा सा डालेंगे इसमें हम हल्दी पाउडर, और थोड़ा डालेंगे हम इसमें 1/2 चम्मच गरम मसाला, और नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। तो ये हमने 1 चम्मच नमक डाल दिया है इसमें, थोड़ा सा मैं काला नमक डालूँगी, और थोड़ा इसको चला लेते हैं। इसको हमने चला लिया है और 1/2 चम्मच से कम हम ये काला नमक डाल देंगे इसमें। काला नमक बहुत अच्छा होता है इसमें, स्वाद भी बहुत अच्छा आता है इसका। और इसको अब हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डाल देंगे हम पानी। तो ये हमारे पास एक छोटी घड़ी पानी है, इसको हम इसमें डाल देंगे। अब गैस को ऑन तेज कर देंगे।
तो ये हमने पानी डाल दिया इसमें। अब इसमें पकने देंगे आम को। अब हम इसमें हमने गुड़ को छोटा छोटा कर लिया है, अब हम इसमें गुड़ डाल देंगे। तो एक कटोरी गुड़ है ये, इसमें हमने 5 छोटे आम लिए थे और एक कटोरी इसमें गुड़ डाल दिया है और एक छोटी गड़ी भर के इसमें पानी डाला है। अब इसको हम पकने देंगे जब तक आम अच्छे से निकल जाते, और ये पानी भी कम हो जाएगा और आम भी अच्छे से पक जाएंगे और गुड़ भी इसमें मेल्ट हो जाएगा। तो इसमें जो हमने काला नमक और सेंधा नमक डाला हुआ है उसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहेगा, खाने में बहुत अच्छा लगेगा वो। तो अब हम इसको इस तरीके से पकने देते हैं, तो 5 मिनट हम इसे इस तरीके से पकने देंगे। तो हम चेक कर लेते हैं इसको बना या नहीं बना है, ये देख लेते हैं। इसमें चम्मच को डाल के देख लेते हैं। ओहो, ये तो बहुत बढ़िया बन गया है, देखिए किस तरीके से कट रहा है। ये देखिए चम्मच एकदम अलग से जा रहा है, देखो किस तरीके से कट गया ये। तो ये पक गया है, हो गया है तैयार। अभी ये ठंडा होने के बाद और गाढ़ा हो जाएगा, तो इसको हम निकाल लेते हैं और इसको गैस को बंद कर लेते हैं, इसको एक बॉल में ट्रांसफर कर देंगे। ये मैंने लोहे की कढ़ाई में बनाया, अब हम इसको एक बॉल में निकाल लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा बना हुआ है, और जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसकी तरी जो है ये गाढ़ी हो जाएगी, क्योंकि इसमें हमने गुड़ डाला हुआ है। ठंडा होने के बाद ये अपने आप ही गाढ़ा हो जाएगा। तो इसको हम इस बॉल के अंदर डाल लेते हैं और इसको इसमें पलट लेंगे। तो दोस्तों ये हो गया, आम की सब्जी तैयार हो गई है। तो इसमें हम परांठे खा सकते हैं, रोटी खा सकते हैं। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है, कच्चे आम की सब्जी बनाई है मैंने। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो शेयर कर देना, और जो नए देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।